मैंने कल अपने बाल धोए थे, 24 आवर्स पूरे हो चुके हैं और मैंने अभी तक बाल सुलझा ही नहीं है। यू कैन सी कंडीशन ऑफ माई हेयर, लेट्स सी हाउ टू फिक्स एक्सट्रीमली टैंगल्ड हेयर। चलिए देखते हैं जटा जैसे बालों को इजीली कैसे सुलझाएं। बालों में दो पार्टीशन करें, पहले कंघी का इस्तेमाल नहीं करें। मेक टू पार्टीशंस, यूज फिंगर्स फॉर बिग नोट्स। पहले बिग नोट्स को उंगलियों से अलग कर लें। बाल सुलझाने के लिए हमेशा वाइट टूथ कॉम का इस्तेमाल करें। बालों को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सुलझाएं। हमेशा हेयर वॉश से पहले बालों को कॉम करें, इससे आपके बाल कम उलझेंगे। मेरे बाल लो पोरोसिटी वाले हैं जो बहुत जल्दी उलझते हैं और हेयर ब्रेकेज भी इसमें इजीली होता है, फिर भी आप देख सकते हैं मेरे कितने बाल टूटे हैं। क्योंकि मैं शैम्पू का यूज रेयरली करती हूँ, वीकली हेयर मास्क का उपयोग करती हूँ। ये हेयर मास्क कम शैम्पू है, इसे आप हेयर मास्क की तरह भी यूज कर सकते हैं और एज ए शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। प्योरली होममेड है, इसे मैं अपने घर पर ही बनाती हूँ। इसमें रीठा, आंवला, करी नीम, वेटिवर, हिबिस्कस आदि 15 से ज्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ है। मेनली इसमें भृंगराज का उपयोग किया गया है जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है और बालों का कलर भी बनाए रखता है। प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को कंट्रोल करता है। इसको लगाने के बाद आपको शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके लिए भी बाउंसी हेयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर रूट्स इंपॉर्टेंट है तो आज ही दिए हुए नंबर पर हेयर मास्क के लिए ऑर्डर करें। मेन एंड वुमेन दोनों इसे यूज कर सकते हैं।